हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नवनिधि प्रॉपर्टी सॉल्यूशंस। आज मैं आया हूं आपके लिए एक बालकनी वाला रेडी टू मूव इन अनयूज्ड फ्लैट लेके। प्रोजेक्ट का नाम है लोधा अमारा। तो लोधा अमारा में अगर आप फ्लैट देख रहे हो, 2 BHK रेडी में नहीं मिल पा रहा है, बालकनी वाला फ्लैट चाहिए और आपको हायर फ्लोर पे चाहिए, तो आप एक सही वीडियो पे आए हो। ये है हमारे फ्लैट का एंट्रेंस। मेरे ऑपोजिट तरफ डोर आ जाता है। डायरेक्शन क्या है वो आपको आपको स्क्रीन पे अभी देखने को मिलेगा। तो एग्जैक्टली वही डायरेक्शन है। जैसे ही आप एंटर करते हो, आपको यहाँ पे एक फॉयर स्पेस मिल जाता है, छोटा सा कैविटी मिल जाता है शू रैक बनाने के लिए, और यहाँ पे आ जाता है आपका स्पेशियस किचन। किचन आपको एल शेप प्लेटफॉर्म में मिल रहा है। यहाँ पे एक बहुत बड़ा कैविटी आपको मिलता है। आप फ्रिज रखिए, स्टोरेज बनाइए, अपने हिसाब से इसको डिजाइन कीजिए। बहुत ही स्पेशियस किचन है एल शेप में। इतना बड़ा किचन एल शेप का आजकल आपको कम देखने को मिलेगा। आगे की तरफ चलते हैं और देखते हैं हमारा लिविंग एरिया। ये है हमारा लिविंग एरिया। यहाँ पे आपको मिल जाता है एक छोटा सा स्पेस, आप डाइनिंग सेटअप कर सकते हो। आपका सिटिंग एरिया इस तरफ आ जाएगा। यहाँ पे आप अपना बड़े से बड़ा सोफा सेट प्लेस कर सकते हो। टीवी यूनिट आपका ऑपोजिट साइड वॉल पे आ जाएगा और ये आ जाती है आपको ये स्पेशियस बालकनी। ये है आपका एक पॉकेट टेरेस। आप साइज देख सकते हो, ऑलमोस्ट 50-60 square feet का आपको ये डेक मिल रहा है। और व्यू आप देखोगे तो ब्यूटीफुल व्यू आपको मिलता है, पूरा थाने क्रीक आपको देखने को मिलेगा अनयूज्ड। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अनइंटरप्टेड व्यू मिलता है आपको, दूर दूर तक आपको क्लियर व्यू देखने को मिलेगा। सामने मेट्रो आने वाला है, मेट्रो का व्यू मिलेगा। यहाँ से आपको नमो पार्क का व्यू मिल जाता है, सामने दोस्ती का कॉम्प्लेक्स है। तो आपको ये ऑलमोस्ट ओपन व्यू सारे साइड से मिल रहा है। डेक का साइज ह्यूज है। एसीज आपको मिलने वाले हैं सारे रूम में। लिविंग एरिया में आपको एक एसी मिल रहा है और दोनों बेडरूम में भी आपको एक एसी मिलने वाला है। तो लिविंग एरिया बालकनी आपने देख लिया। आगे चलते हैं, हमारे बेडरूम्स चेक करते हैं। जैसे ही आप आगे की तरफ आओगे, ये एक इंपॉर्टेंट स्पेस है। यहाँ पे आप पूजा रूम या स्टोरेज बना सकते हो। अगर आपको डाइनिंग स्पेस बड़ा करना है, लिविंग एरिया बड़ा करना है, तो ये वॉल ब्रेकेबल वॉल है, इसको आप पूरा निकाल सकते हो। यहाँ पे आपका डाइनिंग आ गया। डाइनिंग के ऑपोजिट आ जाता है आपका पहला बेडरूम। ये बेडरूम कॉमन बेडरूम है, डिसेंट साइज का बेडरूम है। काफी बड़े डेप्थ का कैविटी आपको मिल जाता है। आप कैविटी का साइज देखिए, मेरे हाथ के बराबर आपको ये कैविटी का साइज का डेप्थ मिल जाता है। यहाँ पे आप अपना वार्डरोब सेटअप कीजिए। ये आपका पहला बेडरूम हो गया। इसको आप गेस्ट बेडरूम, चिल्ड्रंस बेडरूम या पेरेंट्स बेडरूम के हिसाब से यूज कर सकते हो। इसमें भी आपको एक एसी मिलने वाला है। अनयूज्ड अनटच फ्लैट है ये, हायर फ्लोर पे लोधा अमारा में। यहाँ पे आ जाता है आपका पूजा रूम। पूजा रूम आपने देख लिया, पूजा रूम बनाइए या स्टोरेज बना सकते हो। इस तरफ आ जाता है आपका कॉमन वॉशरूम। कॉमन वॉशरूम के बाहर देखिए, ये बढ़िया सा स्पेस आपको मिल रहा है। यहाँ पे आप अपना वॉशिंग मशीन रख सकते हो, कपड़े सुखा सकते हो। इनलेट और आउटलेट आपको बना के दिया गया है। आपके एसी का जो कंप्रेसर है वो इस तरफ आ जाएगा। बहुत ही ज्यादा स्पेस इसमें आपको मिल रहा है। अभी हम चेक करते हैं हमारा मास्टर बेडरूम। ये है हमारा मास्टर बेडरूम। ह्यूज मास्टर बेडरूम का साइज आपको मिल रहा है। यहाँ पे भी आपको कैविटी मिल जाती है कबर्ड के लिए। और यहाँ पे आ जाता है आपका मास्टर वॉशरूम। मास्टर वॉशरूम के बाद बाहर भी आपको एक स्पेस मिलता है जहां पे आप अपना एसी का कंप्रेसर रख सकते हो। स्पेशियस बेडरूम है। यहां से भी आप देखोगे तो आपको लाइफ टाइम ओपन व्यू मिलता है क्रीक का। तो दोस्तों, इसका यूजेबल कारपेट, ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का यूजेबल कारपेट आपको मिलने वाला है 725 का। काफी बड़ा एक ह्यूज डेक आपको मिल रहा है। अनयूज्ड फ्लैट है लोधा अमारा में। प्राइसिंग जो मैं आपको देने वाला है 1.35 crore का एग्रीमेंट वैल्यू है, नेगोशिएबल प्राइसिंग है। अगर ऐसी ही प्रॉपर्टी आप देख रहे हो लोधा अमारा में, आपको रेडी टू मूव इन नहीं मिल पा रहा है, डेक वाली प्रॉपर्टी नहीं मिल पा रही है, सबसे इंपॉर्टेंट आपको अनयूज्ड प्रॉपर्टी नहीं मिल पा रही है, तो आपको क्या करना है, मुझे कॉल करना है, ये प्रॉपर्टी विजिट करना है। तो जल्द से जल्द कॉल कीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।